आपको हम खबर दिखा रहे हैं महेंद्र से, जहां पे SHO मुख्तार अली ने आज एक ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ एक मीटिंग ली। इस मीटिंग में उन्होंने तमाम ड्राइवर्स के साथ ये डिस्कस किया और उन्होंने ये बताया कि कानून की खिलाफवर्जी करने वाले किसी भी शख्स के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने तमाम ड्राइवर्स को यह हदायत जारी की कि आवाम के साथ बेहतर सलूक और कोई भी ड्राइवर जो है वो ड्रग्स या किसी भी तरीके का नशे का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस हवाले से इस तमाम ड्राइवर्स को हदायत भी जारी की गई हैं। इसी मौका पर ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेजिडेंट भी मौजूद रहे और उन्होंने ये पुलिस को और आपसी एक सहमति के साथ तमाम ड्राइवर्स से ये बातचीत करते हुए ये बताया कि हम इस निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाएंगे और तमाम जो पुलिस और ड्राइवर्स का जो एक तालमेल है वो बेहतर रहेगा। मकसद मेरे से दो तीन है भाई, आपके साथ मीटिंग के पहले दो तीन है। एक तो गाड़ी के टायर अच्छे होने चाहिए, हमारी गाड़ी हिली एरिया है, किसी गाड़ी का टायर कमजोर होगा, ब्रेक भी लगाएंगे ब्रेक भी लगेगी, मोड़ इतने खराब है। दूसरा ये कि गाड़ी में जो है फ्रंट में जो है आप लोगों ने सवारी नहीं बिठानी है। मैंने कल परसों मैंने दो तीन मैंने वॉच करते हुए सिविल में भी और ऐसे मैंने वॉच किया है, मैंने कोई गाड़ी ऐसी नहीं देखी जिसमें फ्रंट में तीन सवारी ना हो। मैं स्ट्रिक्टली इस चीज के ऊपर भाई मैं एक्शन लूंगा। फ्रंट में दो होगी, एक आधी सवारी पीछे होगी, उसके लिए हम थोड़ा सा आपके रिसोर्स है। बट आप फ्रंट में आगे ड्राइवरों के बराबर बैठा के उनके साथ, फिर आपको ब्रेक कैसे लगानी है, फिर आपको मोड़ कैसे काटना है, भाई हम खुद सोचे ना। तो अब हमारे पास कितने कीमती लोग हैं, बच्चियां हैं, माएं हैं, पूरे घरों के घर मतलब लोग आए हुए होते हैं। तो खुदा ना खासा ही पहाड़ी इलाका है, कितने ऊंचे ऊंचाई में से की गाड़ी कोई नीचे चली जाए, रब ना करे, कितने घर हमारे नुकसान, हमारे भाई बहन है ना। और मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट कफील खान मेंडर से, देखिए आज जो SHO मुख्तियार अली साहब जिन्होंने नया चार जो है संभाला है मेंडर के अंदर, और वो आज सबसे पहले जो है उन्होंने यहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन की जो है बहुत बारीकी तरीके से जो है यहाँ पर मीटिंग जो है ली है, और जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टर BG से लेकर कालापन छुंगा मनकोट सागरा से और हरनी BG और जड़ा वाली और आड़ी वाले रूट जितने भी रूट हैं हमारे मेंडर के, सब जितने भी ड्राइवर हैं हमारे यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनके साथ जो है SHO साहब ने जो है बातचीत की और बारीकी से उन्होंने समझाया यहाँ पर कि जो ख़ासकर जो गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और ख़ासकर जो है रफ़ ड्राइविंग के साथ जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ख़ासकर जो उन्होंने एम जो मुद्दा बताया है वो कि प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर स्टैंड के अंदर ख़ासकर जो ड्राइवर नशे की लत में पड़े हुए हैं, जो नशे की तरफ जो हैं वो जिनकी टेंशन डाइवर्ट हुई है, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और इस चीज़ जो ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं बहुत बारीकी से जो है मुख्तियार अली साहब ने बताई हैं, और हमने भी इस चीज़ पर जो है हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वेलकम किया है उनका।